सो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू माई चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि हम स्काई का कलर टोन चेंज कैसे करते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हमारी रॉ फुटेज कुछ यहाँ पे इस टाइप से थी और आफ्टर कलर ग्रेडिंग एंड कलर करेक्शन हमने यहाँ पे कुछ इस टाइप से यहाँ पे वीडियो को सेट किया है। सो वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहला स्टेप हम करने वाले हैं, इसके लेंगे डुप्लीकेट कॉपी। सो मैं यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे गया एडिट में और यहाँ से मैंने इसे किया जस्ट डुप्लीकेट। इसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा इफेक्ट एंड प्रीसेट्स में और यहाँ पे जस्ट टाइप कर रहा हूँ और यहाँ पे जस्ट मैं ये वाला इफेक्ट यूज़ कर रहा हूँ और इसके ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ टॉप लेयर के ऊपर। इसके बाद मैं यहाँ पे गया आउटपुट साइकिल के अंदर और मैंने यहाँ से इसको कर लिया जस्ट रैम्प ग्रे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है इस वाले स्पेस में और यहाँ से कलर आपको लेना है ब्लैक। ठीक है, और यहाँ पे मैं अगेन क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे इसे कर रहा हूँ ब्लैक और यहाँ से मैं इसे कर रहा हूँ वाइट, कुछ इस टाइप से। ठीक है, सो बेसिकली हम लोग क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे एक ब्लैक को और ब्लैक करेंगे और वाइट को और वाइट करेंगे। ठीक है, और वो हम यहाँ पे कर रहे हैं इस इफेक्ट के थ्रू। सो अभी मैं यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ को जस्ट यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ कुछ इस टाइप से, समथिंग लाइक दिस, जस्ट लाइक दिस। इसके बाद मैं अगेन यहाँ पे गया और मैंने यहाँ पे टाइप किया कर्व्स और कर्व्स को मैंने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया बिकॉज अभी यहाँ पे ब्लैक पैचेज यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं। सो यहाँ पे जस्ट मैं शिफ्ट कर रहा हूँ यहाँ पे इसको कुछ इस टाइप से लाइक दिस और यहाँ पे हाईलाइट को मैं यहाँ पे कुछ इस टाइप से सेट कर रहा हूँ। ठीक है, इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिएट करेंगे एक एडजस्टमेंट लेयर। सो मैं यहाँ पे राइट क्लिक कर रहा हूँ, देन न्यू और यहाँ पे ले रहे हैं एडजस्टमेंट लेयर और इसको मैं शिफ्ट कर रहा हूँ नीचे। ठीक है, इसे मैं यहाँ पे जस्ट रीनेम कर लेता हूँ मैट लेयर। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे कर लेता हूँ मेन वीडियो। ठीक है, इसके बाद जो भी हमारे यहाँ पे लेयर है आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिलेंगे। अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन नहीं मिलते हैं सो आप F4 प्रेस करें, अदरवाइज यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है एक्सपेंड का। सो अगर आपको इसके बाद भी ऑप्शंस नहीं मिलते हैं सो आप यहाँ पे आके राइट क्लिक करें, देन कॉलम्स और यहाँ पे आप इसे ऑन कर लें मोड्स को। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे जस्ट कर रहा हूँ इसको लूमा मैट। सो अभी कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा और मैं यहाँ पे जो इसकी लेयर है नीचे वाली इसकी आइज को ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं इसके ऊपर अप्लाई करने वाला हूँ जस्ट ह्यू और ह्यू को मैं अप्लाई कर रहा हूँ किसके ऊपर, एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर। अभी अगर मैं यहाँ पे ह्यू की यहाँ पे कुछ भी वैल्यूज़ को चेंज करता हूँ, नाउ वी कैन सी यहाँ पे स्काई के ऊपर चेंजेस हो रहे हैं। बट अभी मैं यहाँ पे ह्यू के ना तो मैं यहाँ पे सैचुरेशन को चेंज करने वाला हूँ ना मैं इसकी यहाँ पे लाइटनेस को चेंज करने वाला हूँ। सो यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ कलराइज, इसे ऑन कर रहा हूँ। इसके बाद इसका सैचुरेशन मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ कुछ इस टाइप से लाइक दिस। सो नाउ वी कैन सी सिर्फ यहाँ पे स्काई की यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज हो रही है और कलराइज ह्यू को यहाँ पे मैं चेंज कर रहा हूँ अपने अकॉर्डिंग। नाउ सी, जिस भी टाइप का आपको यहाँ पे स्काई चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसको सेट कर सकते हैं कुछ इस टाइप से। सो नाउ सी, यहाँ पे स्काई कुछ इस टाइप से चेंज हो रहा है बिफोर एंड आफ्टर। ठीक है, इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एक न्यू सॉलिड। सो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू देन सॉलिड और कलर मैं यहाँ पे कुछ इस टाइप से ले रहा हूँ। ओके प्रेस कर रहा हूँ एक बार, जस्ट मैं यहाँ पे इसकी वैल्यूज को थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे इसकी आइज को ओपन कर रहा हूँ सॉलिड की और इसके ऊपर जस्ट मैं मास्क कर रहा हूँ कुछ इस टाइप से लाइक दिस। ठीक है, और यहाँ से आप इसे कर दो फैदर समथिंग लाइक दिस। ठीक है, और इसकी मैं यहाँ पे ओपेसिटी को कर रहा हूँ कम, यहाँ पे जस्ट कुछ इस टाइप से कर लेते हैं। ठीक है, सो बेसिकली आप यहाँ पे दो कलर्स को आपस में ब्लेंड कर सकते हो, एक तो यहाँ पे हो गया हमारा ह्यू वाला और एक आप यहाँ पे अलग से कोई भी सॉलिड के यहाँ पे लेयर ले सकते हो और अपने अकॉर्डिंग आप इसको यहाँ पे सेट कर सकते हो कुछ इस टाइप से। ठीक है, सो दो कलर्स के बीच आप इसको ब्लेंड करके एक अच्छा यहाँ पे स्काई क्रिएट कर सकते हो। बट अभी यहाँ पे एक प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, वो ये है जो हमारे यहाँ पे सॉलिड लेयर है उसका यहाँ पे जो कलर है ऑब्जेक्ट के ऊपर आ रहा है। इट मीन्स जो भी हमारे यहाँ पे पर्सन है उसके ऊपर यहाँ पे आपको इसका कलर यहाँ पे देखने को मिलेगा। सो इसको हम लोग फिक्स कैसे करेंगे, सो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, जो हमारी यहाँ पे मेन वीडियो है और जो हमने यहाँ पे मैट क्रिएट किया है
मैं इन दोनों को यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ जस्ट कंट्रोल के साथ, और एडिट में गया और यहाँ पे इसे कर रहा हूँ डुप्लीकेट, और इसे टॉप पे लेके आ रहा हूँ कुछ इस टाइप से, ठीक है। और इसका जो मैट है इसे यहाँ पे मैं कर रहा हूँ लूमा इन्वर्टेड मैट, ठीक है। नाउ अब क्या होगा, इसके ऊपर ये इफेक्ट नहीं जाएगा इस पर्सन के ऊपर, नाउ सी, ठीक है। अब अगर आपको यहाँ पे ऑल ओवर फुटेज को कलर ग्रेड करना है, सो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन लेंगे एक एडजस्टमेंट लेयर, सो यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे न्यू एडजस्टमेंट लेयर और इसे टॉप पे लेके आते हैं। इसके बाद मैं इसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ ल्यूमेट्रिक कलर, जस्ट लाइक दिस, और यहाँ पे जाएंगे क्रिएटिव के अंदर। सो इसके बाद मैं यहाँ पे जस्ट क्लिक कर रहा हूँ लुक में, और यहाँ पे कुछ बने बनाए प्रीसेट्स होते हैं। सो अभी मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ SS ब्लू गोल्ड कुछ इस टाइप से, और यहाँ पे जो इसकी सैचुरेशन वैल्यू है इसे मैं कर रहा हूँ अराउंड 170, सो कुछ इस टाइप से हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे गए विनिएट में, और यहाँ पे आप इसका विनिएट अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर सकते हैं अमाउंट को। अभी मैं इसे कर रहा हूँ माइनस में, समथिंग लाइक दिस। यहाँ पे आप चाहेंगे कर्व्स के अंदर, सो आप यहाँ पे कर्व्स को अपने अकॉर्डिंग जस्ट यू नो सेट कर सकते हैं, आपको जो भी यहाँ पे वैल्यूज रखनी है। इन द लास्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर अप्लाई करेंगे ग्लो। सो मैं यहाँ पे हल्का सा जस्ट अप्लाई कर रहा हूँ ग्लो, और यहाँ पे ग्लो को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर, और यहाँ पे ग्लो की जो इंटेंसिटी है इसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 0.1, इसका जो थ्रेशहोल्ड है इसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ अराउंड 90, और इसका जो यहाँ पे ग्लो रेडियस है इसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर रहा हूँ, नाउ सी बिफोर एंड आफ्टर। सो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे चेंज देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे इसके इंटेंसिटी को भी आप बढ़ा सकते हैं लाइक 0.2, ठीक है। सो कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। सो गाइज आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था, आई होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको वीडियो समझ में आई हो। गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। इसके अलावा कुछ भी डाउट्स होते हैं वीडियो के रिगार्डिंग सो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड गाइज वन मोर थिंग, अगर आपको सीखना है कि स्काई को रिप्लेस कैसे करते हैं प्रॉपरली, सो इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, सो उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अदरवाइज आपको यहाँ पे ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मैं वहाँ पे कुछ ना कुछ अपडेट करता रहता हूँ अपने काम के रिगार्डिंग। तब तक के लिए गाइस टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।